नमस्कार दोस्तों, मैं देवांशी वर्मा और आप देख रहे हैं द ऑर्डरिंग। और आज के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर में हम आपके लिए लाए हैं कि कैसे इलॉन मस्क ने डेमोक्रेट को लेकर ट्वीट किया और चुकाया दुनिया को। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के नए मालिक और टेस्ला के संस्थापक इलॉन मस्क अपने ट्विटर को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। इलॉन मस्क इन दिनों अमेरिका की राजनीति में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मस्क ने बीती रात एक ट्वीट कर अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों को लेकर लोगों से अपील की थी। उन्होंने अपने ट्वीट में रिपब्लिकन कांग्रेस को समर्थन देते हुए घोषणा की। हालांकि इस ट्वीट के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने डेमोक्रेट के लिए भी एक ट्वीट किया। इलॉन मस्क ने अपनी ट्वीट में कहा कि सत्ता में दो राजनीतिक दलों का होना सबसे अच्छा है। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा, टू इंडिपेंडेंट माइंडेड वोटर्स, शेयर्ड पावर कर्ब्स द वर्स्ट एक्सेस ऑफ बोथ पार्टीज, देयरफॉर आई रेकमेंड वोटिंग फॉर अ रिपब्लिकन कांग्रेस गिवन दैट द प्रेसिडेंसी इज डेमोक्रेटिक। इलॉन मस्क ने रिपब्लिकन कांग्रेस को समर्थन के बाद डेमोक्रेट के लिए भी ट्वीट किया है। मस्क ने अपनी ट्वीट में कहा है कि मैं भविष्य में डेमोक्रेट को फिर से वोट देने के विचार के लिए तैयार हूँ। इससे पहले उन्होंने वोटर से रिपब्लिकन कांग्रेस को अपना मत देने की अपील की थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं उनके डेमोक्रेट को वोट देने के बारे में क्या विचार है। मस्क ने ट्विटर पर कहा, स्पष्ट रूप से इस वर्ष तक डेमोक्रेट के वास्तविक मतदान इतिहास के साथ मेरी संबद्धता रही है। मैं डेमोक्रेट को भविष्य में वोट देने का विचार करता हूँ। इस ट्वीट के द्वारा वे ये कहना चाहते हैं कि स्वतंत्र विचारधारा वाले मतदाताओं के लिए साझा शक्ति दोनों पार्टियों की सबसे खराब जातियों को रोकती है, इसलिए वह रिपब्लिकन कांग्रेस के लिए मतदान करने की सलाह देते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के लिए प्रचार अभियान 7 सितंबर की शाम थम गया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रिपब्लिकन पार्टी को उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया है। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए भी समर्थन दिखाया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल द ऑर्डरिंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।